तो यहाँ पे जो है अभी हम लोग टेली प्राइम इन एजुकेशनल मोड हम लोग यहाँ पे यूज कर रहा है। तो एप्लीकेशन स्टार्टअप, ये जो फर्स्ट इंटरफेस जो हमको दिखता है इसका, टेली का, टेली प्राइम इज स्टार्ट विद फॉलोइंग सेटिंग्स। कंट्री क्या है? इंडिया, ठीक है। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी इंडिया, SARC। एंड कंपनी डाटा पाथ, कंपनी का जो डाटा होगा वो हमको कहाँ पे रखना है। तो अगर इसको लोकेशन चेंज करना है तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी राइट नाउ हमको चेंज नहीं करना है, तो यहाँ पे हम लोग एक्सेप्ट करते हैं इसको। उसका वेलकम टू टेली प्राइम यहाँ पे दिया, यूज ए लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, एक्टिवेट न्यू लाइसेंस और ट्राई इट फॉर एजुकेशनल वर्जन। तो एजुकेशनल, ट्राई इट फॉर फ्री एजुकेशन। तो एजुकेशनल वर्जन में क्या होता है, हमारा डेट हम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चेंज नहीं कर सकते, यानी कि 1 तारीख, 2 तारीख, आइदर मंथ का 30 और 31 को ही यूज कर सकता है। और लाइसेंस वर्जन में क्या है, हम डेट यूज कर सकते हैं। यही डिफरेंस होता है एजुकेशनल एंड द लाइसेंस वर्जन में। उसका यहाँ पे हमको पूछ रहा है पाथ, ठीक है। क्रिएट कंपनी, यहाँ पे कोई पहले से कंपनी क्रिएट नहीं है, तो इसलिए अभी हम एक कंपनी को क्रिएट करता है। तो हम लोग का कंपनी था सागर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मेलिंग नेम को वैसे ही रहने देगा, एड्रेस सपोज यहाँ का हम दे देता है, एड्रेस के लिए 2-3 लाइन यूज होता है यहाँ पर। बाकी जो है स्टेट, ये सबको हम यहाँ पे नहीं देगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोग का स्टेट का ऑप्शन दिया है असम। पिन कोड करेक्ट होना है जो, और बाकी जितना भी डिटेल्स है, ऑर्गेनाइजेशन का फोन नंबर, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, फाइनेंशियल ईयर्स बिगेंस फ्रॉम। तो हमारा इंडिया में फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को एंड करता है। लेकिन बुक्स बिगेंस फ्रॉम, जैसे कि हम लोग ने बिजनेस कब से स्टार्ट किया, तो 1/12/1 दिसंबर से स्टार्ट किया, तो हम यहाँ पे दे लेंगे। लेकिन ये आपका अभी जो है यहाँ पे, चूंकि पहले से यहाँ पे क्रिएट हो रहा था, तो ये 19 आर, इसको हम 20 कर लेगा मैनुअली। और उसके बाद में बाकी करेंसी और फॉर्मल नेम जो है, ठीक है, इसको हम डाटा को एक्सेप्ट करते हैं। और एक्सेप्ट करने का भी शॉर्टकट की है Ctrl+A, या Y प्रेस कर देंगे आ जाएगा। उसका यहाँ पे हमको डायरेक्टली जो है, कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली इनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड्स। आपका बिजनेस कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि फीचर्स को हमको इनेबल करना है। अगर यहाँ पे कुछ फीचर्स आपको दिख नहीं रहा है और भी मोर फीचर्स चाहिए, तो ये आप देख सकते हो 100 मोर फीचर्स, तो इसको हमको एस करने से यहाँ पे सारा फीचर्स दिखेगा। तो मेंटेन अकाउंट्स, ठीक है, अकाउंट इन्वेंट्री, ठीक है, तो हम लोग को यही चाहिए था। तो यहाँ पे हम Ctrl+A प्रेस करता है इसको डाटा को एक्सेप्ट करने के लिए, और ये हमारा कंपनी अब है क्रिएट हो चुका है। उसका जो गेटवे, जैसे कंपनी क्रिएट करके जो फर्स्ट इंटरफेस हमको मिलेगा, जो फर्स्ट यहाँ पे मिलेगा, तो आप देख सकते हो ऊपर में के कंपनी वाई डाटा एक्सचेंज इंपोर्ट एक्सपोर्ट ईमेल प्रिंट हेल्प, और यहाँ पे डेट F2 जो कि शॉर्टकट की दिया है, एंड F3 कंपनी इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे करंट पीरियड, पीरियड क्या दिया है, 1 अप्रैल 2022 31 मार्च 2021, यानी कि ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। एंड करंट डेट, आज का डेट कितना है, 1 दिसंबर 2020 यहाँ पे शो कर रहा है। कंपनी क्रिएटेड हो चुका है गेटवे ऑफ डेली। गेटवे ऑफ टेली में हमको मास्टर्स यहाँ क्रिएट करना है, वाउचर्स में एंट्री करना है, और बाकी जो भी डे बुक हो गया या जो भी रिपोर्टिंग्स है, वो रिपोर्ट्स हमारा डायरेक्टली यहाँ पे आएगा। तो क्रिएट में सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन था, सागर स्टार्टेड ए सागर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बाय ब्रिंगिंग ए कैपिटल ऑफ ₹3 लाख। तो हमको यहाँ पे एक लेजर बनाना है। अब मास्टर्स को जैसे क्रिएट किया, आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टॉक क्रिएशन और सेटोरी डिटेल्स, GST, पैन कार्ड, CIN डिटेल्स, ये सारा चीज़ यहाँ पे खोज रहा था। हमको बनाना क्या है, लेजर, और लेजर हर किसी का बनाना पड़ेगा, जितने भी बिजनेस वहाँ पे, कोई छोटा नौकरी करता हो, कोई मैनेजमेंट में हो, कोई एडमिन में हो, फाइनेंस में हो, कोई वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल का हो रहा है, कंप्यूटर मेंटेनेंस का खर्च हो रहा है, जो भी खर्चा या जो भी इनकम है या जो भी सामान का लेन देन है, सबका हमको लेजर बनाना पड़ेगा। तो लेजर यहाँ पे हमको बनाना है सागर का, और सागर का लेजर जो होगा अंडर कैपिटल अकाउंट ही होगा। कैपिटल अकाउंट क्यों? क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है अपने पैसा इन्वेस्ट करके, ओनर्स हो गया, प्रोप्राइटर, पार्टनर्स और डायरेक्टर्स, इन केस ऑफ डायरेक्टरशिप, तो उसको हम अंडर कैपिटल अकाउंट ही लेके चलेंगे। जो भी डिटेल्स हम लोग के पास रहेगा उसको हमको फिट करना है, अभी हम लोग के पास डिटेल्स नहीं है इसको, इसलिए हम स्किप करते हुए इसको एक्सेप्ट किया। ये हमारा यहाँ पे लेजर
बन चुका है। नेक्स्ट जो काम करना है, फिर से हमको गेटवे ऑफ टेली एस्केप बटन यूज करके वापस आ जाना है, और उसके बाद जो है यहाँ पे वाउचर एंट्री, यानी कि जो भी हमारा डेली का काम हुआ अभी हमको 3 लाख रुपीज कैश में लेना है, तो कैश पहले से बना हुआ होता है उसको हमको नहीं भरना। और एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि जो ये पेमेंट होके है ना, इसको बोलता है वाउचर टाइप। आप ये साइड में राइट हैंड साइड में देख सकता है, डेट F2 कंपनी F3 कॉन्ट्रा रिसिप्ट जर्नल सेल्स परचेज और यहाँ पे पेमेंट है, तो ये जो है कंपनी पैसा ले रहा है, तो ये रिसिप्ट हमको चेंज कर देना है। और उसका किससे ले रहा है, पार्टिकुलर्स सागर से ले रहा है, कितना अमाउंट ले रहा है, 3 लाख, तो 3 लाख हम यहाँ पे पुट करके और इस वाउचर को हमने एक्सेप्ट कर लिया। उसका सेकंड जो हम लोग का क्वेश्चन क्या था, यू ओपन एन बैंक अकाउंट इन ICICI बैंक, ICICI बैंक में वो बैंक अकाउंट ओपन किया, यानी कि एक बैंक अकाउंट का भी हमको लेजर्स क्रिएट करना है, तो लेजर्स ICICI और यहाँ पे लेजर बना लिया। और ये जो है अंडर ग्रुप, यहाँ पे बहुत केयरफुली देखना है कि क्या है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट का 3 ऑप्शन दिया गया, लेकिन हमको एक करेंट अकाउंट है या हमको CC या OD अकाउंट बोल के मेंशन नहीं किया गया था, तो हम सपोज मान लेते हैं करेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट पे इसको ले लेगा। जैसे ही बैंक अकाउंट लेगा यहाँ पे उसका पूरा अकाउंट नंबर कुछ आ जाएगा, अकाउंट नंबर अभी हमको दे देना है, उसका ब्रांच सेक चेकबुक डिटेल्स चेकबुक प्रिंटिंग ये सब पूछ रहा है, लेकिन अभी हम उसको नहीं करने जा रहा, तो इसको स्किप करके एंटर करके हमको एक्सेप्ट कर लेना है, तो ये हमारा लेजर क्रिएट हो गया। उसके बाद हम 50,000 फिर से वाउचर एंट्री कर लेता है, वाउचर एंट्री में रिसिप्ट होगा, तो ये चीज को ध्यान देना है, रिसिप्ट तो पहले से रिसिप्ट होके इसलिए उसको चेंज नहीं करेगा। अब कहाँ पे पैसा रिसिप्ट कर रहा है, ICICI बैंक अकाउंट में कर रहा है, किससे कर रहा है, फिर वो सागर ही डिपॉजिट कर रहा है, कितना अमाउंट 50,000, इसको हम एक्सेप्ट अभी कर लिया, बाकी को स्किप करते जा रहा है क्योंकि डिटेल्स नहीं है। उसका जो थर्ड है क्या है, ही पेड एन इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ₹1200, तो पेमेंट किया है मीन्स, तो F5 हमको पेमेंट कर लेना पड़ेगा, और कैश से पेमेंट किया था, तो कैश से पेमेंट करेगा क्या चीज के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल। अभी हम एक चीज देखने जा रहे हैं, लेजर क्रिएशन जो है, अभी हम वहां पे लेजर क्रिएट नहीं करके हम यहीं से शॉर्टकट क्रिएट कर सकता है, उसके लिए हमको यूज करना है Alt+C, तो डायरेक्टली हम कहां पे आ गया, आप देख सकते हैं स्क्रीन में लेजर क्रिएशन, तो लेजर क्रिएशन पे यहाँ पेज में हमको पॉपअप कर दिया, वहां से डायरेक्टली लेजर क्रिएशन का पेज में Alt+C यूज करके शॉर्टकट से हम आ गया इलेक्ट्रिक सिटी बिल। ये जो होगा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट क्यों, महीना में फिक्स होता है, फ्लेक्सिबल होता है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमको यहाँ पे देना है। लेजर टाइप यहाँ पे पूछ रहा है, डिस्काउंटिंग होगा, इनवॉइस राउंडिंग होगा, ये एज पर हम दे सकता है एट प्रेजेंट, लेकिन नॉट एप्लीकेबल लेके चलता हूँ। इसमें पूछ रहा है कि क्या इसमें GST है, GST लगेगा क्या, तो इसमें हम कुछ भी व्यवस्था नहीं था कि GST लगे या नहीं लगे, इसको हम प्रोसीड करते हुए जा रहे हैं। तो फिर से हमको कहाँ पे पेज पे आ गया, हम वाउचर एंट्री पेज पे ही फिर से हमको आ गया, कितना हम अमाउंट दिया था 1200। तो कभी कोई लेजर बनाना है, स्टॉक बनाना है, तो हम डायरेक्टली Alt+C यूज करके शॉर्टकट से भी क्रिएट कर सकता है, तो 1200 हमने पेमेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल कर दिया। जो फोर्थ क्वेश्चन है क्या है, ही परचेज कंप्यूटर्स फ्रॉम कंप्यूटर लैब लिमिटेड ऑन क्रेडिट, तो अभी उस क्वेश्चन को हम लोग करता है जाके, और उसको करने से क्या है, चूंकि हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हम क्रिएट कर सकता है, क्रिएट में जाके यहाँ पे स्टॉक आइटम ये सब हम क्रिएशन कर सकता है, लेकिन राइट नाउ हम शॉर्टकट यूज करेगा, शॉर्टकट की से यूज करेगा, आप लोग यहाँ से भी कर सकता है, वहाँ से भी कर सकता है, मैटर नहीं करता। तो अभी हम वाउचर एंट्री में गया और पेमेंट को जो है हमने परचेज कर लिया, तो यानी कि अगर हमको मेरे पास कहीं से सामान परचेज किया तो ऐसा रिसिप्ट देगा ना, उस रिसिप्ट के अकॉर्डिंग ही हमको यहाँ पे वैल्यू को पुट करना, सपोज इसी को हम नंबर देता है, तो सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या है, CG20/21/4003। डेट जो है, चूंकि हम लोग यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर डेट अगर रहता है तो हम यहाँ पे 02 इनवॉइस डेट है,
तो 0 to 11 दे सकता था, लेकिन हमारा कंपनी ही क्रिएट जो है 1 दिसंबर को है, तो हम नवंबर का डेट नहीं दे सकता है। उसके बाद यहाँ पे जो है पार्टी अकाउंट नेम, अगर हम क्रेडिट में सामान लेगा तो यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में ही हमको यहाँ पे शो करना है, तो उसके लिए हम अल्ट सी फिर से प्रेस करता है और हमको बना, हम लेजर बनाता है कंप्यूटर लैब लिमिटेड अंडर ये ग्रुप। हमको बहुत ध्यान से देखना है कि हम लोग ने जैसे बोला था सेंड्री क्रेडिटर, सप्लायर जो होता है सेंड्री क्रेडिटर होता है, और नहीं तो कस्टमर जो होगा डेबिटर। तो ये हमारा सप्लायर है, इससे सामान हम खरीद रहा है, परचेज कर रहा है, तो इसको हम सेंड्री क्रेडिटर में देगा। जैसे ही सेंड्री क्रेडिटर देने से यहाँ पे पूछा मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल एस, तो इसको एस भी आप कर सकता है, नो भी कर सकता है। और डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, यानी कि ये हमको बाकी में तो पैसा दिया है, मतलब सामान हमको दे दिया, लेकिन हमको लिमिट दिया कि आप 30 डेज के अंदर हमको पैसा रिटर्न करना है। तो जितना भी डेज होगा, 30 डेज हो, 188 डेज हो, 365 हो, वॉट एवर इट इज, उसको हम वहां पे एंट्री कर लेगा। उसके बाद इसका एड्रेस यहाँ पे पूछ रहा है कंप्यूटर लैब लिमिटेड का, तो कंप्यूटर लैब लिमिटेड का हम लोग एड्रेस यहाँ पे दे देना है, क्योंकि ये ही जो है प्रिंट होके आएगा हमारा। और एड्रेस ये सब देने में पूरा डिटेल्स एड्रेस देना है जितना तक पॉसिबल हो। अभी स्टेट जो है हमारा क्या है, पंजाब। अगर इस जगह पे हम गलती कर देगा तो हमारा जीएसटी गड़बड़ हो जाएगा। स्टेट हम कौन सा सामान कहाँ से खरीदे, तो ये फरीदकोट पंजाब का है। पिन कोड यहाँ पे दिया है तो 15103 जो है, इट इज एन स्टेट, रिप्रेजेंट द स्टेट, यानी कि 03 देखने के साथ साथ मालूम चल जाना चाहिए कि ये जो है हमारा पंजाब का है। आसाम के लिए 18 यूज होता है, 18 आसाम के लिए। तो अलग अलग स्टेट का ये इट विल रिप्रेजेंट द फर्स्ट 2 डिजिट नंबर जो है, रिप्रेजेंट स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद ये जो है ये कंपनी का पेन नंबर है, उसके बाद 10 डिजिट, और लास्ट का जो 3 डिजिट है दैट इज एन यूनिक जीएसटी कोड, यूनिक जीएसटी नंबर उसको बोल सकते हैं। तो पेन नंबर क्या है, AH, यानी कि हमको मालूम है कि 10 डिजिट पेन नंबर है, तो पेन नंबर यहीं से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कंपोजिट्स है, कंज्यूमर्स है, अनरजिस्टर्ड है या अननोन है, तो हम यहाँ पे रेगुलर दिया। उसका जीएसटी नंबर पूछ रहा है 03AHJP, और यहाँ पे जो है हमको ये जीएसटी पूछ रहा है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको हम अभी कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे अगर एस कर देगा तो हमारा अलग अलग आइटम्स में गड़बड़ हो सकता है, इसलिए हम जीएसटी जो है ओनली स्टॉक आइटम पे ही हम उसको क्रिएट करेगा। हम स्किप करते हुए जाता है कंप्यूटर लैब लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमको एक लेजर क्रिएट करना है, दैट इज इन परचेज लेजर, तो इसको हम अंडर परचेज अकाउंट टाइप ऑफ नॉट एप्लीकेबल जीएसटी, और यहाँ पे भी पूछ रहा है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, तो हम यहाँ पे भी उसको जीएसटी डिटेल्स नहीं देगा, और इसको हम गुड्स कर लेता है क्योंकि ये हमारा सामान है, और इसको हमने दे दिया। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ आइटम आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये साइड में भी मोड बार बार चेंज होते जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे नेम ऑफ आइटम आ रहा है, यानी कि स्टॉक। तो स्टॉक भी हमको क्रिएट करने के लिए क्या, शॉर्टकट से जाएंगे अल्ट सी स्टॉक क्रिएशन, सबसे पहले हमको क्या था कंप्यूटर्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है, इसको हम अल्ट सी करके इसको भी क्रिएट करेगा, यानी कि नोज। इसका फॉर्मल नेम क्या है नंबर्स, और यहाँ पे भी NOS नोज को हम लोग ले लेगा, तो ये हमारा बन गया। अभी जो है यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स पूछ रहा है, हम लोग 3 जगह पे नहीं किया यहाँ पे, लेकिन हमको सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स करना है। एस ऑन वैल्यू टैक्सेबिलिटी पूछ रहा है, अननोन है, एग्जेम्प्टेड है, नील रेटेड है, टैक्सेबल, तो टैक्सेबल है, और इसको हम 18% पे ले लेगा। अब यहाँ पे जो है हमको डिटेल्स शो नहीं कर रहा, तो उसके लिए हम कॉन्फ़िगर पे जाएगा, और ये लास्ट का जो ऑप्शन है इसको हमको इनेबल कर लेना है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स और साथ में स्टेट सेंट्रल सब आ गया, ऑटोमेटिकली 99% आ गया। गुड्स एस क्वांटिटी जो है कितना था, 10 नोज था हम लोग का, 10 रेट 27,500। उसका अल्ट सी क्या था नेक्स्ट आइटम हम लोग का, कीबोर्ड ये भी नोज में, इसको भी हम एस करेगा, इससे भी टैक्सेबल कर लेता हूँ, और इसको भी 18%
सब 18% ही है सर, लेकिन ये गुड अकाउंटिंग हैबिट है कि हम उसमें स्टॉक में जाके ही सब करना है। ये भी 10 नोज है, 10 नोज 775, बाकी वो टोटल ऑटोमेटिक ले रहा है टेली। अल्ट सी उसके बाद है, ये भी नोज में ले लूंगा और इसमें एस कर लेगा। ऑन वैल्यू टैक्सेबल ये भी 18% और ये भी 10 नोज है, इसका जो था कितना 335। उसके बाद लास्ट जो हम लोग का है अल्ट सी करके, इसको भी यूपीएस इंडेक्स यूपीएस नोज एस वैल्यू 18%। ये हमारा सब सामान हो गया, ये भी 10 नोज है, इसका कितना है प्राइस 1350। अब जो है जीएसटी को हम लोग करने के लिए क्या है, ये टोटल का नीचे जाना पड़ेगा। आप लोग ये ध्यान देखना कि ये टोटल है, यहाँ पे टोटल वैल्यू का नीचे जाने से ही यहाँ पे लेजर क्रिएशन आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट ऑफ लेजर आ रहा है और हम लोग ने ये जो है बनाया नहीं था अभी तक। तो ये पंजाब से सामान हम लोग आसाम में खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा लेजर यूज करेगा, आईजीएसटी, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको जो बनाएगा हम लोग अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस बनाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस जैसे ही लेगा यहाँ पे पूछेगा ये कौन सा टाइप है, अदर्स है कि जीएसटी, तो जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर पूछ रहा है कि ये कौन सा है, सेंट्रल टैक्स है, सेस है, इंटीग्रेटेड है, स्टेट है, तो ये इंटीग्रेटेड है आईजीएसटी, तो इंटीग्रेटेड। और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन पूछ रहा है, लेकिन इसको हम लोग नहीं देंगे देने से, क्योंकि हमारा वहाँ पे रिजल्ट गड़बड़ हो सकता है, तो इसको हम डायरेक्टली अभी सेव कर लेता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जीएसटी का वैल्यू ऑटोमेटिक आ चुका है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है प्रोवाइड जीएसटी ईवे बिल डिटेल्स, इसको हम लोग नहीं करके नो कर देता है और इसको हम अभी एक्सेप्ट कर लेता है। अगेंस्ट रेफरेंस पूछ रहा है, रेफरेंस ये है, ठीक है, ऐसे करके एक्सेप्ट। जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक हमारा कंप्लीट नहीं होगा। अभी हम जाके इसको हम चेक कर सकते हैं डे बुक में।